एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की को लाया जाएगा, जिससे कि डिजिटल अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ी मदद मिलेगी। डिजिटल करेंसी जिसे एक बहुत ही प्रभावी करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम होगा, और इसलिए डिजिटल रूपी की हम को प्रस्ताव देते हैं ताकि ब्लॉकचेन और अन्य टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर सकें, जो कि आरबीआई की ओर से प्रस्तावित किया जाएगा। 2022-23 में ही इसे लाया जाएगा। वित्तीय जो मदद है वो राज्यों को वित्तीय कैपिटल मैनेजमेंट के लिए जो मदद है वो हम देना चाहते हैं। हम सहकारी संघवाद को पर खरे उतरना चाहते हैं, लिहाजा हम राज्यों को मजबूत करना चाहते हैं, उनके हाथों को मजबूत करना चाहते हैं ताकि वो पूंजी निवेश बेहतर तरीके से कर सकें, और साथ ही साथ बहुत ही उत्पादक वो अपनी संपत्ति का निर्माण कर सकें। इसके लिए हम वित्तीय मदद देते रहेंगे और कैपिटल इस राज्यों ने इसे बहुत अच्छे तरीके से लिया है। केंद्र सरकार की सहायता को काफी अच्छे तरीके से ले रहे हैं। हमने जो मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी और साथ ही वित्त मंत्रियों के साथ बैठक की थी, उसके लिए लागत को हम बढ़ा रहे हैं 10,000 करोड़ से बढ़ा करके 15,000 करोड़ किया जा रहा है रिवाइज एस्टिमेट के तौर पर। 10,000 से बढ़ाकर 15,000 करोड़ किया जा रहा है 22-23 के लिए। अगर बात की जाए वित्त वर्ष 2022-23 के लिए, मैं एक बार फिर से आप सामान्य सदस्यों के लिए दोबारा उस वाक्य को दोहराते हैं जो राज्यों की तरफ से, जो मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों की तरफ से जो हमसे गुजारिश की गई थी। हमने जो लागत है राज्यों को देने वाली मदद को वो 10,000 करोड़ से बढ़ा करके 15,000 करोड़ कर दिया है 2022-23 में इसे, और इसे और बढ़ा करके 2022-23 के लिए 1,00,000 करोड़ कर दिया गया है, राज्यों को दिया जाएगा। इससे अर्थव्यवस्था में बहुत बड़े पैमाने पर निवेश हो सकेगा, पूंजी की कमी नहीं होने दी जाएगी। ये ब्याज मुक्त कर्ज होगा, जो कि सामान्य जो बोरिंग होती है, जो कर्ज लिया जाता है उससे अलग होगा। सामान्य जो कर्ज लिया जाता है उससे बिल्कुल अलग होगा। 1,00,000 करोड़ रुपए 2022-23 में ये जो आवंटन है, इसका इस्तेमाल पीएम गतिशक्ति और अन्य उत्पादक योजनाओं के लिए राज्यों को दिया जाएगा। साथ ही कई और इसके भी कंपोनेंट्स होंगे जो पीएम ग्राम सड़क योजना में भी दिए जाएंगे। ग्राम सड़क योजना इसमें राज्यों का जो हिस्सा है उसमें मदद दी जाएगी। डिजिटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी इंक्लूडिंग डिजिटल नेटवर्क को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही बिल्डिंग बायलॉज में जो सुधार करने हैं, टाउन प्लानिंग की जो स्कीम है, इसके अलावा यातायात सुगम करने के जो कदम उठाए जा रहे हैं, उन सबके लिए मदद दी जाएगी। 2022-23 में जो 15वें वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं उसके मुताबिक राज्य सरकारों को राजकोषीय घाटा 4% तक रखने की इजाजत होगी, जो कि 0.5% जो है वो ऊर्जा क्षेत्र के सुधारों के लिए होगा। इसका 2021-22 में इसके बारे में विस्तार पहले दिया जा चुका है। वित्तीय प्रबंधन की अगर बात की जाए जो कुल मिलाकर 34.83 लाख करोड़ 2021-22 में जो रखा गया था, और अब जो रिवाइज एस्टिमेट है वो 37.07 लाख करोड़ है। इसमें 51,971 करोड़ का की वो राशि भी है जो कि जिसमें कि एयर इंडिया के लिए जो कर्ज था वो भी इसमें शामिल है, उसका जो कर्ज था वो भी इसमें शामिल किया गया है। बजट एस्टिमेट की अगर बात करें स्पीकर महोदय, तो कुल खर्च 2022-23 में उसका अनुमान 39.45 लाख करोड़ रखा गया है। कुल जो प्राप्ति है वो 22.84 लाख करोड़ रुपए ये प्राप्तियां हैं, जो कि कर्ज से अलग होंगी। ये रिसिप्ट है 22.84 लाख करोड़ का।
जो राजकोषीय घाटा जो कि हमने उसको रिवाइज किया है वो 6.9% अर्थव्यवस्था का रह सकता है, जो कि ये बजट एस्टिमेट में 6.8% था, इसे हम दोबारा परिभाषित कर रहे हैं, 6.9% है और इसे हम 6.4% 2022-23 में रहने की हम उम्मीद जता रहे हैं। हम वित्तीय वित्तीय स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं। हम 4.5% जो फिस्कल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा है, 2025 तक हम हासिल करने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। हमें इसके लिए विकास, हमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा, पब्लिक का निवेश बढ़ाना होगा और सतत तरीके से वो मजबूत तरीके से आता रहे, ये बहुत जरूरी है।